इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज दूसरे दिन भी कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव और संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा और अंतिम दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होना है और उनके संबोधन के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में रहेंगे। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास। विनय, क्या एजेंडा रहने वाला है आज जो दूसरे दिन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का? चूंकि दूसरा दिन है आज कार्यकारिणी का, तो ऐसे में चुनाव को लेकर बीजेपी चर्चा तो कर ही रही है। साथ ही साथ इस साल और अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों पर, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल भी हरियाणा समेत हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो इन पर भी चर्चाएं हो रही है। कल भी 4 राज्यों पर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि बाकी राज्यों पर आज चर्चा हो सकती है। प्रायोरिटी ये रहेगी कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन पर जेपी नड्डा ने अपने भाषण के साथ कल इस बैठक के का शुभारंभ किया। और जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि भी विधानसभा चुनाव इस साल हो या अगले साल हो या फिर लोकसभा चुनाव, इन सभी में जीत दर्ज करनी है और सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने की बात करते हुए कमर कसने की बात यहाँ पे जेपी नड्डा ने की है। इसी तरह का कुछ आज भी कार्यक्रम देखने को मिलेगा और शाम को जब प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे, संबोधन करेंगे यहाँ पे लोगों को, उसके साथ इस बैठक का समापन होगा और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी की एक बड़ी और अहम बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल विनय, आप बने रहिए हमारे साथ।